ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहे हैं कि 2023 में कर्क राशि वालों को संतान प्राप्ति के योग कब बनेंगे, कौन से महीने में गुड न्यूज़ मिलने के योग बने हुए, साथ ही दोस्तों 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसकी सूक्ष्म रूप में हम आपको जानकारी देंगे। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, 2023 में कई सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि देखिए 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं राहु 30 अक्टूबर को मतलब मेष राशि से छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए देखिए शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शेष रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में होंगे, आपका भाग्य का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से कर्जे से परेशान चल रहे थे तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपके करियर में बदलाव अवश्य ही आएगा। कर्क राशि वालों के लिए 2023 में देखिए शुरू में ही संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जनवरी और फरवरी का महीना संतान पक्ष की तरफ से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, साथ ही इस राशि के जो जातक हैं जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद देखिए आपको अप्रैल से बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के योग बन रहे हैं। जो भी दंपति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए मई जून और जुलाई इन तीन महीनों में कोई गुड न्यूज़ आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, आपके करियर में बदलाव आएगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपको घर परिवार में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है संतान पक्ष की तरफ से। साथ ही देखिए 2023 में कर्क राशि वालों के शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। अगर आपकी कुंडली में देखिए शनिदेव अच्छे स्थान में बैठे हैं तो निश्चित ही आपको मतलब शनि की ढैया परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपके करियर में तरक्की के योग बनेंगे। दोस्तों, अगस्त सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलने के योग बनेंगे, आपका आर्थिक क्षेत्र मजबूत होगा, आपका अगर कोई ऑनलाइन काम है, कोई भी बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के बहुत अच्छे योग बने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य ही रखनी होगी, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अवश्य रखें। उसके बाद देखिए आपको नवंबर और दिसंबर के महीने में भी थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें, आपको पेट से या घुटनों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है तो उस समय पर आपको सावधानी अवश्य रखें। कुल मिलाकर देखिए कर्क राशि वालों के लिए 2023 संतान पक्ष की तरफ से बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, इनको निश्चित ही संतान सुख के बहुत ही प्रबल योग बने हुए। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही कर्क राशि वालों को देखिए क्या उपाय करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। कर्क राशि वालों को देखिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना बहुत ही शेष रहेगा, साथ ही चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही शेष रहेगा। दोस्तों, ये तीन उपाय हमने बताए हैं, इनको करें आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।